हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं तीन बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिनमें पहली बड़ा अपडेट होने वाली है आपके 18 मंथ्स के डीए डीआर को एडियर्स को लेकर के, साथ ही साथ दूसरा जो अपडेट होगा आपके डीए मर्जिंग को लेकर के, साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट होगा आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। और भी कई सारे अपडेट्स होंगे जिसका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आज कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एक बड़ी मीटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों, जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ और भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे, जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये की बात की गई थी, जिसको संज्ञान सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लिया गया है। और जल्द से जल्द कोई ना कोई एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, खबरों की माने तो जल्द से जल्द आपको 3,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसमें इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो स्कोवा की मीटिंग हुई थी उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपको जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेज का जो मैटर है वो अंडर कंसिडरेशन है, जल्द से जल्द उसमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के भी एक मीटिंग में उसमें चर्चा की गई थी, एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, जिनमें कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के पेंशन में 5% की बढ़ोतरी को लेकर के एज वाइज ग्रुप यानी उम्र आधारित पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के उसमें अपडेट्स हुए थे, जिनमें अब कोई ना कोई अब जल्द से जल्द उसमें निकल कर आएगा। बात करते हैं आठवें वेतन आयोग की, तो आठवें वेतन आयोग में जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई एक कमेटी गठित हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आठवां वेतन आयोग जो है 2026 में जनवरी 2026 में गठित होना है, और अब उसके रिगार्डिंग जल्द से जल्द एक कमेटी गठित हो सकती है, जिससे कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन का सीधा सीधा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सूत्रों की माने तो पैसे की पेंशन में बढ़ोतरी 9,000 रुपये से बढ़ा करके 15,000 रुपये, 14,000 रुपये तक, साथ ही साथ कर्मचारियों की बेसिक जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से बढ़ा करके 24,000 से 25,000 रुपये तक बेसिक हो सकती है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए अगर उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी, स्पेशली पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ उसी टाइम होती है और उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ऐसे में पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, पेंशनर्स के लिए लाइक करेगा, साथ ही साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों को कई सारे बड़े अपडेट्स आए हैं, जिनमें सरकारी पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है, सीधा 25,000 रुपये तक का फायदा सालाना मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, 18 मंथ्स के DA DR को एरियर्स, और इसके अलावा कम्यूटेशन बहाली को लेकर भी कई सारी बड़ी अपडेट्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपको कई सारे लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आपको समझाए जाते हैं, आपको उनमें जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आपके पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, फैमिली पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, इवन कर्मचारियों को भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट वीडियो में ली जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो आप सभी जैसे सामने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपये सालाना थी, लेकिन अब जिसे बढ़ाकर 75,000 यानी कि 75,000 रुपीज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें पेंशन को क्या फायदा मिला वो भी देखेंगे, सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 में एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए ही स्पेशली किया गया है। वित्त मंत्री ने
बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशन पर अब छूट 15,000 रुपए यानी जो डिस्काउंट है 15,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना अब 25,000 यानी कि 25,000 रुपए तक के टैक्स लाभ का उठा सकते हैं। पहले 15,000 रुपए सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा जो आप सभी को मिलेगा वो साल 2024-25 के वित्तीय वर्षीय दिया जाएगा और यह लाभ पेंशनर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो टैक्स रिजीम से अब आई है उनमें कई सारी चीजों में अब अपडेशन किया गया है और आपकी जो फैमिली पेंशन पर डिस्काउंट मिलता था 15,000 रुपए उसको बढ़ा करके अब पेंशनर्स को उसकी लिमिट 25,000 रुपए कर दी गई है और उसको अब सीधा सीधा अब उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसमें सारे फायदे दिए जाएंगे। फैमिली पेंशन के लिए कई सारे रूल भी चेंज हुए थे जिनमें आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन हकदार है वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2004 से पहले जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी, ऐसे में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। कर्मचारी या पेंशन भोगी की फैमिली पेंशन को दिया जाता है और उसके बाद अगर बहुत सारी चीजें हैं तो फैमिली पेंशन में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर बात हो सकी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के एक बड़ी बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया और इस मीटिंग में अब क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी है और कौन कौन से आपके जो इश्यूज थे वो मुद्दे थे वो खारिज किए गए हैं, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगी संगठनों को प्रतिनिधियों को भी भेज दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगियों के बारे में अवगत के बारे में इन सब चीजों में हम बात करेंगे। पहला है कि पेंशनर्स का जो हेल्थ चेकअप है एनुअली उस पर भी बात हुई है। 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा, उस पर भी इस मीटिंग में बात हुई। एफएमए बढ़ोतरी को लेकर बात हुई, साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की मंजूरी को लेकर भी बात हुई। रेलवे किराए में पेंशन धारकों या सीनियर सिटीजन को मिले डिस्काउंट उसके रिलेटिव भी बात हुई और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा यानी नौसल इंक्रीमेंट पर क्या क्या चीजें हुई उस पर भी बात हुई है। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली लेकर को भी जो 12 साल में बहाली हो उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें पर बात हुई है। तो उस पर धीरे धीरे एक एक करके सारी बात करेंगे। अब देख सकते हैं इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई, साथ ही साथ इसमें कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनाई गई। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो मुद्दे थे उनको खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि इन कुछ खास मुद्दों के ऊपर जिन पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या क्या निर्णय लिया। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप था। पेंशन धारकों की अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो उसमें भी कई सारी चीजें थी जिसमें पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें अपडेट्स हुई। इसमें पेंशन भोगी संगठनों ने डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल भर में एक बार उसको आयोजित किया जाए। इस पर पेंशन भोगी ने समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की बात कही थी और इसके अलावा उसमें भी कई सारी चीजों को ऐड करने को बोला गया था। उसमें इसके अलावा इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या आंसर दिया वो भी हम देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशन भोगी की साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के लिए इच्छुक पेंशन भोगी CGHS से इंपैनल्ड हॉस्पिटल में चेकअप के लिए CGHS वेलनेस सेंटर्स के CMO से रेफर ले सकते हैं। CGHS वेलनेस सेंटर के CMO बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी दे सकते हैं। अगर ऐसे में संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई शिकायत है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो आपके हेल्थ चेकअप का पहले से ही एक बार जो है आप अपने इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, साथ ही साथ CMO से भी रेफर वहां पर ले सकते हैं। तो ये आपकी एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी खबर पर लेकर चलते हैं जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने ये डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से दिया जाना चाहिए, जो कि अब 80 साल है। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अब हर साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस पर
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो इस पर सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड आगे रख सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल हिंड्रेंस आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार अभी नहीं किया जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस जो है निर्णय से पेंशन भोगी संगठनों के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि यह मामला फिर से अभी अंडर मैटर अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि मामला जो है अभी विचाराधीन किया गया है। एफएम में बढ़ोतरी, जो नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अभी 1,000 रुपए जिसे बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी और पेंशन संगठनों का काम कहना था कि मात्र 1,000 रुपए में जो ओपीडी मेडिसिन है या दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं होती है, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहां पर उन्होंने कहा कि 7 CPCU के जो सिफारिश है यानी रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसको 1,000 रुपए रिवाइज किया गया था। ऐसे में अभी फिर से मांग बढ़ाने के ऊपर सरकार का भी फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है और मामला अभी फिर से मैटर अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अभी सारी चीजें अपडेट होंगी और पेंशन के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे आप देख सकते हैं आगे रेलवे के किराए में पेंशनरों के लिए क्या क्या चीजें मिल सकती है उससे भी रिलेटेड है। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह डिस्काउंट मिलते थे वह फिर से उसको बहाल या रिस्टोर किया जाना चाहिए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे में करीब लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 63% की रेलवे में छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को भी छूट का फायदा दिया जाता है और फिर भी रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में जो डिस्काउंट है उसको अभी बहाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 30 जून 31 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट है, नॉक्सल इंक्रीमेंट को लेकर के रिटायर कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। इस बैठक में जो नॉक्सल इंक्रीमेंट है उसका भी मुद्दा उठाया गया। पेंशनी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों एक साल की अवधि पूरी करते हैं तो उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात हुई। इसमें डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इससे उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन या रिवीजन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है और इस मुद्दे को लेकर के जल्द से जल्द कोई भी इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी कई सारी है, अगर आप आदेश के प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली पर भी लेकर की उस पर भी कई सारी चीजों पर अपडेट आ रहा है, जिसमें कम्यूटेशन बहाली को लेकर के पेंशन मोबिट संगठनों ने केंद्र सरकार के डिमांड की कि सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को गुजरात सरकार ने 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं और भी कई राज्यों में ऐसा किया गया है। ऐसे में बहुत सारी पेंशन भोगियों ने इस मामले में सरकार से रिक्वेस्ट की कि कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर जल्द से जल्द कोई विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए कई सारे चीजों पर इसमें बात हो सकती है, जिसमें पेंशनर्स के हेल्थ चेकअप है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, 5, 10, 15% का बढ़ोतरी को लेकर के, वहीं उनकी उनकी टैक्स में डिडक्शन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए। साथ ही साथ पेंशनर्स धारकों का जो हेल्थ चेकअप है उसे रिलेटेड भी कई सारी चीजें हैं। वहीं पेंशनर्स के नॉशनल इंक्रीमेंट पर भी यहां पर बात की गई है और जो कम्यूटेशन बहाली है 15 साल में होती है उसको 12 साल किए जाने पर भी अभी बहुत सारे मैटर इसमें अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर निर्णय ले लिया जाएगा और हम जैसे इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। आप इसका जो ऑफिशियल मिनट्स है उसकी डाउनलोड कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जस्ट लिख दीजिएगा, वहां से आप सीधा ये डाउनलोड कर पाएंगे और आप डिटेल में इन सारी चीजों को जो भी मिनट्स हैं उसको पढ़ पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपको पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में
क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो आठवें वेतन आयोग को लेकर की होगी, साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग, उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए और डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है, इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी, हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम बोल सक वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें सातवें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2000 बोल सकते हैं कि जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी, अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बोल सकते डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन मान और भत्तों में बदलाव होता है, ऐसे में सरकार हर आठवें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवाइज रिविजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि आठवां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे आठवें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा, आठवां वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था वो भी हम देखेंगे, डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिविजन होगा वो भी हम देखेंगे, साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे जिसमें आठवें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। आठवें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान आठवें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या सातवें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है, साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर, 10 साल का इंतजार लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, साथ ही साथ क्या सरकार आठवें वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, साथ ही साथ सरकार के पास आठवें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है, लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है, यह दोस्तों
जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। आठवें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ हम बात करें कि आठवें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता जीरो से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़कर के 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सातवें वेतन आयोग के बाद में आठवें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग के लिए करके अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टार्टेड 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई साथ ही साथ जून का भी डेटा हम आपको दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशियंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशन के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको